दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2014 का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास बेसिकली एफ इज नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन गिवन है. एफ इज नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन है और आपके पास जो d गिवन है वो यूनिट डिस्क गिवन है. z बिलोंग्स टू c सच दैट मोड ऑफ z इज लेस देन 1. ये गिवन है आपके पास. और इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास कि f एट 0 पे आपके पास क्या गिवन है, 1 गिवन है. तो आपसे कुछ ऑप्शन पूछे हुए हैं, कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा. तो यहां से आप देखिए d आपके पास जो f फंक्शन है वो नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन गिवन है, d आपके पास डिस्क गिवन है और ये आपके पास जो डिस्क है वो ओपन एंड कनेक्टेड है. तो बाई ओपन मैपिंग थ्योरम से आपके पास इंटीरियर पॉइंट गोज टू इंटीरियर पॉइंट और इसका आप कोई भी ओपन सेट पिक करेंगे उसकी इमेज भी क्या मिलेगी आपको, ओपन मिलेगी. तो यहाँ से आपके पास सिंस जीरो इसका इंटीरियर पॉइंट है, ये आपके पास जेड प्लेन में एक डिस्क है, ओपन डिस्क यूनिट रेडियस की, और इसके पास आपके पास जीरो क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट है, ये आपके पास ओपन एंड कनेक्टेड है. एफ आपके पास नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन है. तो बाई ओपन मैपिंग थ्योरम से आपके पास जो डब्ल्यू प्लेन होगा यू और वी में, तो एफ ऑफ जीरो की जो इमेज मिलेगी वन, वो आपके पास क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा. मेरे पास वन किसका इंटीरियर पॉइंट होगा, इस इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ डी का, क्योंकि मेरे पास एफ डी एक ओपन सेट मिलेगा बाई ओपन मैपिंग थ्योरम से, नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन है. तो वन मेरे पास क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा. तो जैसे आपके पास ये वन पॉइंट होगा तो इसके अराउंड आप कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे तो आपके पास वो किस में कंटेन होगी, एफ डी में. अगर मैं यहाँ आपके पास वन यूनिट का कोई भी आप सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये आपके पास सपोज कीजिए क्या है, एफ ऑफ डी है, यानी कि मेरे पास इसकी रेंज है डी फंक्शन की, तो ये आपके पास जो वन है वो इंटीरियर पॉइंट होगा डी का. तो यानी कि आपके पास ये इसके वन के अराउंड आप जो भी ओपन वॉल बनाएंगे, यानी कि वन को सेंटर मान के हुए, तो नेबरहुड ऑफ वन विद रेडियस डेल्टा वो किस में कंटेन होगी, आपके पास एफ ऑफ डी में कंटेन होगी. यानी कि ये सारे पॉइंट जो आपके पास यूनिट सर्कल पे लाई कर रहे हैं वो भी किस में कंटेन होंगे, एफ ऑफ डी में. तो यानी कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स, जिनका मॉडुलस वैल्यू क्या होगी आपके पास, वन होगा. तो बाई ओपन मैपिंग थ्योरम से आपके पास बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और आपके पास अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स हैं इन यूनिट डिस्क में, इसमें आपके पास, जिसके आपके पास मॉड ऑफ एफ जेड क्या मिलेगा, वन मिलेगा, क्योंकि आपके पास बाई ओपन मैपिंग थ्योरम से यहाँ से कोई भी इंटीरियर पॉइंट होगा वो भी इसके इंटीरियर पॉइंट में मैप होगा, ये भी आपके पास इंटीरियर पॉइंट में मैप होगा. तो हमारे पास बहुत सारे डिस्क के, यानी कि अनकाउंटेबल मेंबर ऑफ डिस्क के होंगे जो आपके पास यूनिट सर्कल पर लाई कर रहे होंगे, यानी कि यूनिट मॉड्यूलस वन होगा उनका. तो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी सी डी आपके पास फॉल्स होंगे. वो कैसे फॉल्स होंगे, जैसे आपके पास बी ऑप्शन में पूछा हुआ है कि एफ बाउंडेड है या नहीं, तो एफ की बाउंडेडनेस के लिए आपको एक एनालिटिक फंक्शन चूज करना होगा एफ जेड. अगर मैं इस पर पिक करता हूँ जो इस पर एनालिटिक हो, नॉन कॉन्स्टेंट हो, तो वन माइनस जेड पिक कर सकते हैं. बट ये फंक्शन आपके पास कैसा फंक्शन है, इस डिस्क में अनबाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि आप जेड को वन की तरफ अप्रोच कराएंगे तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की टेन. तो बी ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट होगा, आपके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे डिस्क के जिनका मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगा आपके पास, वन. तो सी ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट है भाई ओपन मैपिंग थ्योरम से. डी है आपके पास एफ इज अ रेशनल फंक्शन. तो एफ जेड को अगर आप ई टू दी पावर जेड पिक करेंगे वो एफ एट जीरो पे क्या देगा, वन देगा. एनालिटिक फंक्शन है इस डिस्क पे तो आपके पास वो रेशनल फंक्शन नहीं है. तो डी बी ऑप्शन आपके पास क्या होगा, इनकरेक्ट. तो आंसर इज ओनली ए करेक्ट बाई ओपन मैपिंग थ्योरम से.